मैं क्या नमस्ते अंकल जी पहचानिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम अरिति। और गाइस मैं बता दूँ, ये टैटू ना बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, और मुझे भी और दी को भी, लेकिन हम लोग घर पे बता नहीं रहे किसी को। आई मीन मम्मी को भी नहीं बता रहे, न भैया को, घर पे किसी को भी नहीं, मतलब बोल ही नहीं रहे कि पेन कर रहा है। ऐसे तो हम लोग को थोड़ा सा दर्द है, तो जो सर उठा लेते थे ये पेन हो रहा है, मुझे ये नहीं करना, ये नहीं खाना, ये काम नहीं करना, यहाँ नहीं करना। अब मुझे डर से क्लास में जाने पड़ते हैं, पेन होगी। और देख वो तो और ज़्यादा पेन होता है, वो तो और डर से बोलने भी मम्मी पेन हो रहा है, क्योंकि अगर हम लोग बोल दिए घर पे कि अगर पेन हो रहा है हम लोग को, तो मम्मी क्या ही करेगी। और नेक्स्ट टाइम से जितने भी टैटू हम लोग बनवाने के सोचे हैं, एक भी बनवाने का मिलेगा नहीं। हाँ, मुझे हंसी भी आ रही है कि करना क्या पड़ रहा है ये सब। जैसे कि पेन हो रहा है तो बता नहीं पा रहे कि पेन हो रहा है घर पे, और हाथ उठाने में भी दिक्कत होता है। आई मीन थोड़ा ऐसे करने में भी बहुत ज़्यादा, एक होता नहीं कुछ अगर कट जाए, सिल जाए तो सूखता है, तो थोड़ा पेन होता है, टाइट हो जाता है, तो वैसा ही होता है। इसमें बहुत ज़्यादा पेन भी है, सूजन भी है। अच्छा से देखोगे तो देखो, सूजन तो अभी थोड़ा बहुत ठीक है, पर रेडनेस बहुत सारा है। हाथी धीरे सोई पड़िए, इधर मतलब कि हालत ख़राब है यार। और मुझे नींद और हम लोग का तबियत हल्का हल्का ख़राब लग रहा है, इसी वजह से हमें थोड़ा सा दर्द कर रहा है, फीवर टाइप में लग रहा है। मेरा सेकंड फर्स्ट वाले टैटू में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, जैसे ये वाला मैंने जब कराया था तो पेन तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था, होने के बाद बिल्कुल पेन नहीं हुआ था। जब मैंने टैटू कराकर घर आई थी तो बस दो दिन तक तो पेन हुआ, उसके बाद बिल्कुल ड्राई हो गया, अपने आप वो सूख गया। और ये साला इतने दिन हो गए हैं इसके, अभी भी वही हाल है इसका, दिमाग खराब किया जा रहा है कि चल गया रहना, तो पता नहीं देखते हैं कब पेन ठीक होगा। ऐसे तो बोला था टैटू वाला कि 1 वीक में ये ठीक होगा, तो देखते हैं। 1 वीक तो हुआ नहीं है, ठीक तो हो ही जाएगा, लेकिन समझ रहे हो पेन तो पेन ही है। ठीक है, मैं मिलती हूँ इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं भी जस्ट सो के उठी हूँ और मैंने सोचा चलो बोल दिया जाए, बड़ा पेन हो रहा है, इसीलिए मुझे नींद आई थी। गाइस ये देख रहे हो समोसे, इसका बोले सिंगार पानी फल, बता रही हूँ मैं, मेरे पास और भी बहुत सारे पड़े हुए हैं। यू वांट दिस? ओके देन फल, दिस इज सिम्बा पानी, नो तुम्हारे लिए नहीं है। दीदी को उठाने का टेक्निक है बेबी, देखो ये अलग बैठ गया कि मुझे मिलेगा, इसे तो मिलने वाला है नहीं क्योंकि इसे डाइजेस्ट नहीं होता। नो बोले, नो बोल रहे हैं, नो बोल, नो अपना हाथ उधर। अपना मुंह हटाना सिमरी, तू तो उठा हुआ ही है, दूर हट। दूर
हट भाई, तेरे लिए था ये, पहले ही कंफर्म कर दिया गया था ये तेरी के लिए, तेरे लिए। अरे क्या दिक्कत है, मार इस बार ना सिम्मा पिट जाएगा बता रही हूँ। ऐसा लपड़ घींच के लगाएं क्या है ये, देख रहा है ब्लॉग चल रहा है ना मेरा बेबी, तेरे तेरे लिए भी है, बता तेरे बेबी ये दीदी उठाने में टेंगी है, मार देंगे लपड़। गाइज मैंने इसे अपने टेक्निक से उठा दिया है एंड उठने का टाइम भी वैसे हो चुका था, 5:30 हो गया है, शाम के 5:30 हो गए हैं तो ऑब्वियसली शाम के 5:30 होंगे, 5:30 मॉर्निंग में तो उठेंगे नहीं। इसे देख लें किस तरह से कर रहा है ये, तुझे डाइजेस्ट होता है नहीं होता है, मुझे वीडियो बनाने दे भाई, डिवॉर्मिंग का ज़रूरत है दी, इसको आँख पूरा गंदा कर रखा है। नो सिट, मैं क्या बनूंगा, मैं भी तो अभी उठाऊं, मिलने रहा मुझे। गाइस दीदी का तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग सो उठे हैं और टैटू के कारण ही इस तरह से हम लोग का हो गया है। दीदी तो मैं दिखा नहीं सकती, उसका तो और आँख कान फुला हाथ ही फूल गया उसका, आए मतलब ठीक है टैटू बनवाने में इतना पेन होता है उसके बाद भी, लेकिन नहीं पता क्यों थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। दिखाओ अपना टैटू दिखाओ, इसका तो भाई और भी वो हो गया है, फूल गया है, तो देखते हैं कब ठीक होता है, डर से हम लोग बोल ही नहीं रहे हैं वरना दीदी अभी मैं ये नहीं करूँगी मैं वो नहीं करूँगी, मुझे इतना दर्द हो रहा है अभी दीदी को हम लोग बोल, हम लोग अपने प्लानिंग कर ले रखे हैं घर पे, किसी को नहीं बोलना है। गुड बॉय, मैं भी सब ब्लॉग में नहीं करते, नोचना नोचना मेरे लिए नहीं है, तो नहीं खा सकता, तुम्हारे लिए भैया लग गया। सिमरिया बैठ चुका है जैसे लग रहा है सिम्बा वो गाइस सिम्बा का वीडियो मैंने ज्यादा बना दिया, सिम्बा का पैसा ज्यादा लगेगा मेरे सिर पर क्या कर रहा है ये सब, क्या कर रहे हैं, ये सो जाता क्या, तो हाँ जी मैं पूरा मस्त नींद मार रहा है, मम्मी आई फिर पूछ उछला फिर सो ही गया, ये नहीं क्या बोल जाऊँ शाम हो गया है। ब्रो ले बेबी, हेलो तो अब हम लोग खाएंगे ये बहुत ही टेस्टी गर्ल्स, ये बहुत ही मज़ेदार होता है और मसालेदार, तो ओके आज क्या बनाओगे जी, लोगों ने पता नहीं वीडियो थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, छोटा वीडियो नहीं बन पा रहे शॉर्ट, कह रहे हैं कि खाना तो क्या करोगी दीदी, बड़े पाव खाने का मन था मेरा, गया था लाने के लिए बना, यार हम सपने देखे, पता है सपने हम क्या देखे, कि शाम का ही टाइम है, इसी से बच्चे को देखें काफ़ी ज़्यादा शरीफ नज़र आ रहा है सोते हुए।
एंड ये बफर्स के पैकेट को ओपन होते हुए भी ये नहीं खुला है। अब देखते हैं खुलता है या नहीं। कान के पास में बजाती हूँ इसे। वाह सिम्बा तो पास हो गया दीदी, इसकी तो नींद ही नहीं खुल रही है भाई, खराटे मार रहा है ये तो। गाइस शाम का टाइम है और सिम्बा को स्नैक्स वगैरह थोड़ा चाहिए ना, इसलिए सिम्बा मस्त बिस्किट खा रहा है अपना। ये लो बेबी, कितना आनंद से खा रहा है। इसी तरह हम लोग को भी खाना चाहिए, कोई भी खाना। क्या दी आवाज़ सुनिए, कितना मस्त निकाल रहा है। मुसुर 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 मुसुर। ओके बेबी अब सो जा, भूल जा कि सपना था।